बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैट जब हम करते हैं या हम इकोनोमेट्रिक्स करते हैं तो उसके अंदर हमें दो तरह का डाटा मिलता है। एक को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा और दूसरे को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है कि जब आपने कोई फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे किए लेकिन वो जस्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम था, कोई एक टाइम पे आपने वो डाटा कलेक्ट किया। जैसा कि हम मिसाल करते हैं कि जनवरी 2020 के अंदर डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है। जैसा कि आप ये कह लें कि जीडीपी कितनी थी 2020 के अंदर, तो अब ये एक टाइम के ऊपर डेटा कलेक्ट किया गया है। ये एक भी हो सकता है, ज्यादा फैमिलीज के डेटा भी हो सकता है, जिस तरह की उनकी इनकम एक्सपेंडिचर इसी तरह, लेकिन वो एक टाइम पीरियड होगा। तो ऐसा डाटा को हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल डाटा, ठीक। अब अगर डाटा आपने कलेक्ट किया है तो वो एक टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम पीरियड पे था तो वो टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि जैन की 2020 के अंदर जीडीपी, इसी तरीके से हम ये 2020, फिर हम बात करते हैं जैन जो है 2021। अब ये दो टाइम पीरियड आ गए इसके अंदर जीडीपी। तो ऐसा जो डाटा होगा जो एक से ज्यादा टाइम उसमें इन्वॉल्व होंगे वो टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा। अगर एक एक ही टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा तो वो क्रॉस सेक्शनल डाटा कहलाएगा। जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो ज्यादा जो जो रिसर्चर हैं, वो टाइम सीरीज डाटा को ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस देते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा की निस्बत। आई होप कि आपको इस ये दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ आ गई होगी।